मसीह समाज ने रविवार को गुड फ्राइडे के तीन दिन बाद प्रभु येसु के जीवित होने की खुशी में ईस्टर का पर्व धूमधाम से मनाया। चर्चेस के अलावा घरों में भी प्रभु येसु के पुनर्जीवित होने की खुशी मनाई गई। इस मौके पर ईस्टर एग बनाया गया। शहर के रॉबसन मेमोरियल चर्च, सेंटोनरी मेथोडिस्ट चर्च, सेंट मेरी सेंट जॉन्स, इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, माउंट कार्मल और आरसी चर्च भट्टा सहित अन्य गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। समस्त कलीसिया इस दिन को ईस्टर के रूप में या पुनरुत्थान के रूप में मनाती है। यह सभी घटनाएं आज से 2000 साल पहले घटी थी। इसने बंद कर दी। दूसरा क्रंथियों 4 अध्याय 4 पद सुनिए। आप कौन बंद करता है जिया? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का इस संसार के ईश्वर इस दुनिया के हाकिम ने इस संसार का ईश्वर। आज ईस्टर का महापर्व है और ईस्टर हमारा विश्वास है। विश्वास ये है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और ये हमारे लिए महान आशा और पुनरुत्थान का पर्व है। आज सुबह हम ईस्टर के पर्व को बड़े धूमधाम और महान आशा के साथ मना रहे हैं। ईस्टर आज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था और वो फिर से जी उठे थे। इसलिए हम बहुत ही हर्ष और उल्लास से ये दिन मनाते हैं। ईस्टर के दिन सब मसीह भाई बहन एकता के साथ रहते हैं, सब चर्च अटेंड करते हैं, उसके बाद सब मिलते हैं, सब अपने एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और बहुत ही खुशी का दिन होता है ये।